प्रसादी लाए हैं, वहाँ हमें इनवाइट नहीं था। हैं छठ का प्रसादी लेने के लिए, आज लोहंडा है तो आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे आए हैं प्रसादी लेने के लिए, और साथ में ये भी है। आए हैं शादी लेने के लिए, तो नीचे से ऊपर आए हैं, टाइम लग रहा है, जिम्मी को अकेले छोड़ के आए हैं, और साथ में मिश्रा को देख सकते हैं, आगे दिखाते हैं प्रसादी मिलता है। हम लोग को प्रसादी मिल गया है और हम लोग प्रसाद लेके जा रहे हैं घर। फाइनली प्रसादी ले लिए हैं, अब जा रहे हैं घर। जिम्मी को अकेले छोड़ के आए हैं। अब यहाँ पे लाइट नहीं है जो आप लोग को फेस दिखेगा, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग छठ का प्रसादी लेके चले हैं। हम दोनों के हाथ में प्रसादी है, जिम्मी यहीं पे है बाहर में, तो वो देख देख के भौंक रहा है। तो हम लोग प्रसाद लेके चले आए हैं। आप लोग छठ का किसके किसके घर में छठ होता है आप लोग कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा कि हाँ चैती छठ सबके घर में नहीं होता है, ये रियर केस में होता है। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ से हम प्रसादी लाए हैं वहाँ हमें इनवाइट नहीं था, इनवाइट इनको था, और इनके साथ साथ हम चले गए, ताकि ये अकेले नहीं जा रही थी, तो हमको लगा कि इनको इनवाइट नहीं है तो हम बिना इनवाइट का चले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें सबसे बड़ी चीज़ होता है क्या कि छठ में अगर आप जाते हो तो जो भी छठ करती हैं, जो भी यहाँ पे लोग उनको पवनैतिन बोलते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रहा होता है, तो वो ये सिंदूर लगाती है ना नाक तक, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे हिंदू धर्म में। तो सबसे ज़्यादा मेन पर्पस होता है कि महिलाएं सज संवर के जाती है सिंदूर लगवाने के लिए, जो कि ये कोई ना कोई ओकेजन में ही लगाया जाता है, कोई ना कोई त्यौहार में ही लगाया जाता है, ये जनरली नहीं लगाया जाता है, तो ये सबसे प्लस पॉइंट था। तो हम लोग खास करके इसीलिए गए थे। तो बाकी आज का ब्लॉग में बने हुए रहे, रात तक का ब्लॉग दिखाएंगे प्रसाद कहाँ कहाँ से आया। अब इनको भी जाने देते हैं, रात हो गया है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। करिए बाय। अभी मतलब आज लोहंडा है छठ का, और देखिए अभी कितना आंधी तूफान के साथ अभी हवा शुरू हुआ है, तेज हवा शुरू हुआ है एकदम। दिया गया है, बस एक जगह बचा हुआ था जहाँ पे जिम्मी के पापा गए हैं प्रसादी लाने के लिए। देखिए सब जगह से आया है, तो कुछ दो तो हम खा गए हैं और एक यहाँ रखा हुआ है जो जिम्मी के पापा लास्ट में लाए हैं, एक और हम खा गए, वो पत्तल यहाँ पे जिम्मी जो बचा है तो हम जिम्मी को दिए खाने के लिए, तो खाएं, बहुत अच्छा लगा। मतलब टेस्ट तो जानते ही हैं कि छठ पूजा का टेस्ट कैसा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, खीर या इसका रोटी जो भी होता है बहुत टेस्टी होता है। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, जिम्मी के पापा एक जगह से लाने गए हैं, अगर आते हैं तो फिर उनसे भी आपको मिलवाते हैं। और आप लोग को कहना चाहेंगे कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते, इतना प्यार देते, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के वजह से मेरा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है बहुत जल्द, तो अगर पूरा हो जाएगा तो इसका बिना हम छोटा मोटा सेलिब्रेशन पार्टी देंगे। तो आप लोग मेरा वीडियो इसी तरह से देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। हेलो दोस्तों, छठ में से छठ का जो वो लोहंडा का प्रसाद होता है वो खा करके हम लोग आ गए हैं, ले करके भी आ गए हैं, जिम्मी के लिए भी, अपने लिए भी प्रसाद लेके आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए प्रसाद रखा हुआ है, और ये सिलाई मशीन है, यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है, दो खा गए हैं, एक वहाँ जिम्मी को खिलाए हैं तो उसका पत्तल वहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ है, और जिम्मी के पापा एक और लाने गए हैं। तो आप लोग को मेरे तरफ से हैप्पी छठ पूजा। जगह से प्रसादी आ गया है, लास्ट में ये भी लेकर के आ गए हैं एक जगह से। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, खाना बना नहीं क्योंकि लोग प्रसादी खा के रह गया, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सोचते कुछ नया करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।